so to apply RotoNode, you need to press O, you'll get the RotoNode, or obviously you can also type Roto, hit enter, and you'll get the RotoNode. Okay, I'll move forward. So this is the RotoNode. Now, right now I'm not linking it, I'm just explaining to you how you can draw. You can see three options. जब आप रोटो नोट लेके आओगे आपके पास लेफ्ट साइड में तीन आइकन दिखेंगे. Obviously, first is the selection tool. The second one is your add point. अभी हमने कोई point बनाया नहीं तो add करने का कोई मतलब नहीं बनता. Third is your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 option. So पहले छह option is for the roto. Open spline we will see later. बाद में कभी वो time मिला तो we'll see. So Bezier obviously just it's just like your pen tool. आप click करते हो and you can just create a shape here. Cusp Bezier is a straight line. अगर आप कोई straight line जैसे ये box है आप वहाँ पे use कर सकते हैं. Just draw the straight points. Cusp Bezier here. The next option is your B spline. B spline is like you will get a handle here, जिसको आप बाद में twitching करके handle को इस तरह से set कर सकते हो. ये आपका अंदर वाला मास्क रहेगा, ये इस मास्क को कंट्रोल करता रहेगा, है ना. समटाइम यू नीड टू ड्रॉ एन ओवल शेप, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो. एवरी टाइम यू ड्रॉ अ मास्क, आपके आप देख सकते हो साइड में आपके ये मास्क बनता चला जाएगा. नाउ बिफोर आई थिंक न्यूक 7 में आपको बस बैक स्पेस बटन प्रेस करने पे ही डिलीट होता था, डिलीट बटन प्रेस करने से नहीं होता. सम मोर ऑप्शंस वर देयर. So again, it's a very simple ellipse. अगर आपको draw करना ellipse, you will get rectangle के लिए rectangle you will get. Now, okay. So whenever you are working, जैसे मैंने starting class में बता दिया था, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, आपका viewer कहाँ पे? My viewer was this side, and my roto node was this side. That's why I was not able to see the white area inside it. So एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप काम करो तो छोटे-छोटे चीजें आपको problem करेंगी. Now, I'm facing a second problem. Reason ये था, यही था मेरा कि मैं बाहर इसको इसलिए रख रहा था ताकि आपको दिखा सकूं. So मेरा जो footage था, it was 1024x576, but मेरा जो roto node बनाया, that is in 2K. Now problem क्या हो रहा है? अगर आप notice करोगे, जब मैं यहाँ से यहाँ flip कर रहा हूँ इस चीज को, ये जो shape है, उसका size double हो गया है मेरे main footage से. Footage का that is 1024. दोनों का resolution अलग है. So, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, whenever you are bringing a footage, make sure you press S, S for setting. I'll make it this one. And make sure the size matches with this rotona. Obviously, आप देख सकते हैं कि मैंने साइज तो मैच कर रहा है दोनों का, दोनों कैनवस का साइज इज द सेम. बट प्रॉब्लम क्या हो गया, सेप बाहर चला गया. क्यों बाहर चला गया? क्योंकि जो अब हमने नोट क्रिएट किया था वो 2K के हिसाब से क्रिएट किया था. दैट्स व्हाई द सेप मूव आउटसाइड. सो अपने को क्या करना पड़ेगा इस केस में, रोटो नोट को डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा से लेके आओ. नाउ इफ यू क्रिएट दिस एलिप्स, सॉरी आई एम नॉट कनेक्टेड, आई विल कनेक्ट दिस. सो नाउ इट विल बी इन द सेम पोजीशन. विल गो टू द रोटो नोड. व्हेनेवर यू अप्लाई अ रोटो नोड, आप देख सकते हैं सेम मैंने इस केस में क्या किया. आई से आई विल जस्ट क्रिएट अ शेप हियर. में क्या होता था, जब आप मास्क क्रिएट करते थे तो व्हाट हैपेंड कि जैसे मास्क क्रिएट करते थे, जो एरिया सिलेक्शन लेयर के अंदर या मास्क लेयर के अंदर होता था वो दिखता था, बाकी का एरिया कट हो जाता था. मैंने यहाँ रोटो नोट बनाया, एवरीथिंग इज फाइन, बट ये कट नहीं हो रहा कि न्यूक में हर एक चीज मैनुअली ऐड होता है. इफ आई गो टू द अल्फा चैनल, यहाँ पे जाके मैं अल्फा चेक करूं, आई हैव द अल्फा चैनल हियर, बट राइट नाउ इट्स नॉट एक्टिवेटेड. सो आई कैन गो डायरेक्टली हियर, टैप प्रीमल्ट नोड एंड क्लिक करूंगा, इट विल एक्टिवेट द प्रीमल्ट. दिस इज द सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. बट आपके पास यहीं पे ऑप्शन है, देख सकते हो प्रीमल्ट इज देयर. सो आरजीबी अल्फा, सॉरी इफ आई सेलेक्ट आरजीबी अल्फा, ऑटोमेटिकली इट विल कट इट. ओके, जब प्रीमल्ट नोट लगाते हो तो एग्जैक्टली सेम कंडीशन यहाँ भी आता है. सो इफ आई जस्ट प्रेस प्रीमल्ट नोट, आप देख सकते हो यहाँ पे आरजीबी अल्फा है ना. करने बॉक्स एक्सट्रैक्ट करना, मैं अगेन मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आई जस्ट टेक अ फ्रेम से 200 फ्रॉम 299 टू 350. नाउ डन, प्रेस ओ, ओ फॉर रोटो नोट, लेट्स स्टार्ट डूइंग सम रोटो हियर. सो आई गो टू द फर्स्ट फ्रेम एंड आई जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस बॉक्स. I'll select the Bezier node. बाकी आप अपने दूसरे नोट के साथ प्ले करना चाहो प्ले कर सकते हो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो I'll क्लिक. नाउ आपको रूल याद होगा, अगर आफ्टर इफेक्ट से आप बनाने बाहर नहीं होना चाहिए. अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है तो एक पिक्सल आप अंदर आ सकते हो, दैट इज अप टू यू. बट आप जब न्यूक में आ रहे हो या आप
नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपोजिटिंग सीख रहे हो, सो ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज इट कैन बी. जरूरी आप एक पिक्सल भी आपको अलाउड नहीं होता है व्हेन यू आर इन द प्रोडक्शन हाउस छोड़ना. You have to preserve that one pixel also. Okay. Now, if you want to make curve, say आपको curve बनाना double बस यहाँ पे कोई भी आप shortcut की use नहीं करते. If you want to make this as a curve, just click and drag your mouse. जिस mouse को drag करोगे automatically a curve create कर देगा. And say for example, for some reason you forgot, है ना, होता है आप straight line बना रहे हैं and you forgot to create a curve here. Sorry. I'm just trying to fix some area. Okay, so you need to add, say, add point. आपके पास यहाँ पे, if you want to add, you can do that also. This is add point. Now I want to create, say, area. मेरे को curve create करना है. So what you need to do is just right click. Oh my god. And यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे option है cusp, desmooth and smooth. So cusp क्या करेगा? I'll show you in a second. But पहले मैं smooth पे press करूँगा, which is Z. Z प्रेस करते हैं, आप देख सकते हो एक्चुअली सारे पॉइंट सेलेक्टेड हो गए थे, इसलिए क्या हो गया, सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, स्मूथ हो गए, हाँ, yes. कर्व होने स्टार्ट हो गए. सो आई जस्ट वांट कि इस आई जस्ट वांट कि ये पॉइंट सेलेक्टेड हो. ओके, सो द थिंग वाज कि आई ड्रॉ इट अगेन. सो रोटो कनेक्टेड. Then we'll take the master line. It's very easy. But the last time, I think your software got corrupted or something went happen. So all you need to do is when you create, you will automatically get this option. दिख रहा है यहाँ पे? अब? Yes sir. Okay, so your mask is floating. It's very simple. Just आपको click कर mask complete और select करके हो जाएगा. आपको ऊपर के तीन mask point select करने, आप easily point तीन select कर सकते हो. I don't know for some reason it got stuck. I can right click and again sorry ये screen recording की वजह से shortcut की आप लोगों को थोड़ा सा update होने में problem हो रहा है, ये screen recording की वजह से हो जाता, but it's very easy. जब से आप right click करोगे you will get this options. Okay, so I was telling about कि कैसे smooth करते हैं. If you press Z, आप point एक point select कर लो आ जाएगा. आप आपको कुछ भी shortcut की press करने की जरूरत नहीं पड़ती, just press Z, automatically you can handle recording on हो रहा है कि नहीं, sorry. Recording is there. So just press Z and you can just continue curving your edges. Aaya samajh mein? Okay. So I'll go with this shot now and I'll create a roto node again. So O for roto, connect it, and I'll just do a 60 frame or 50 frame, whatever the roto size is. So we'll come here. Zoom in a bit, ताकि आपको दिखे कि exactly आप सही roto बना रहे हो अपने. I can put one more point here. And इसलिए put one more point at the center. आपको जरूरत नहीं है center पे point करने का, but it's good. थोड़ा सा help मिलता ही है. Okay, maybe it's better to put one more point here and then I can connect this here. So obviously you can see some curve is required, so I press Z. Sorry, I'm not right clicking it because of the screen recording. There is some problem going on with the shortcut. I'm just using Z shortcut key and just try to be at close to this object. Okay. So once I've done with this, now Nuke में सबसे अच्छी बात क्या है ना कि After Effect में क्या होता था, you have to hit the after creating mask button, you have to check the stopwatch button. Nuke में ऐसा नहीं है, जैसे आप mask complete करो, automatically आप देख सकते हैं यहाँ पे blue color का keyframe add हो गया है. So I'll just move forward to 350 and say for some reason मेरे को इतना frame आपको नहीं देखना है. मैं नहीं चाहता कि यहाँ दिखे. प्रेसिंग एस फॉर सेटिंग एंड मैंने यहाँ पर जाके 299 से 350 दे दिया. ऑटोमेटिकली अपना टाइम यहाँ पे अपडेट हो गया उतनी दूर. तो मेरे को बस इतना ही दूर का रोटो करना है. सो डजंट मैटर. सो मैंने 299 पे यहाँ पे मास्क क्रिएट कर लिया है. आई विल गो जंप टू द 350. आई कैन सेलेक्ट
Okay, so I'm doing with the mouse only. I'll try to adjust almost. Now, remember, I won't be perfect here. Okay, again, I'm running on the clock. So agar aapko yaad hoga rule hamara roto ka hamare after effects session mein, so what we used to do ki pehle wale keyframe pe last wale keyframe pe and then hum log 5 5 keyframe usko readjust karte the. Sir, isme ek ki forward kaise karte hain? Aage bas left right arrows. Okay, so I'm just doing this manually right now. I'm just trying to adjust the shape. And 350, 320, or you can directly go to 330 also. It's up to you. I'll select, I think initial, okay, I'll have to select every. Hello. Hello. Bol Saurav, sun raha hu. हाँ सर, वो थोड़ा मेरे एरर मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम है इसलिए. हाँ सर, जैसे हमको कोई की डिलीट करनी हो तो हम वो कैसे करेंगे इसमें? यहाँ पे की फ्रेम लगा होगा, आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे. सॉरी, यू नीड टू गो टू द ट्रांसफॉर्म एंड डिलीट की. सॉरी, मैं फिर से दिखा देता हूँ. एक्चुअली पैरामीटर्स बहुत सारे हैं. सो मैंने क्या किया, गो टू द रोटो नोड, बेजियर, यहाँ रोटो है, रोटो के जस्ट बगल में आपके पास ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे जाओ. आपको उस की फ्रेम के ऊपर होना पड़ेगा एंड डिलीट की. अगर पूरा की फ्रेम हटाना है तो नो एनिमेशन कर दो, सारा की फ्रेम हट जाएगा. ओके 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 सर. ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यार, बीच के जो की फ्रेम सभी मैंने किए थे, आई कांट सी द की फ्रेम. आपको ब्लू में यहाँ दिखने चाहिए. ठीक है, सो समथिंग इज टोटली गोइंग रॉन्ग विद द न्यू राइट नाउ. आई हैव नो सॉल्यूशन, मे बी रिकॉर्डिंग के वजह से. सर, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए सर. क्यों, क्या हो गया सर? नहीं हो रहा तो सर स्टॉप कर दीजिए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये जस्ट आपको नहीं, मैं सी आइडिया मिल रहा है ना आपको, बस यहाँ पे ब्लू की फ्रेम्स आपको नहीं दिख रहे हैं, दैट्स इट. यहाँ पे आपको दिखने लगे, जैसे यहाँ देख रहे हो स्टार्ट और इनमें दिख रहा है. आप देख सकते हो कि चीजें एडजस्टेड है, एडजस्ट जहां मैंने उसको एडजस्ट किया था वहां पे स्टिक है, बस आपको की फ्रेम दिखने बंद हो गए हैं, दैट्स इट. और कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है? सिर्फ यहां प्रेजेंट है, उसका नेटवर्क एरर आ रहा है, बार मैसेज आ रहा है. ओके कोई बात नहीं, वो सामने है कि चला गया सेशन छोड़ के. सर वो फोन में मैसेज कर रहा है बार-बार, लेकिन उसका एरर आ रहा है कुछ ज़ूम का. ओके कोई इशू नहीं. ठीक है आई विल सेंड, कोई इशू नहीं. ओके सो से कि मैंने ये एडजस्ट कर लिया, जस्ट मैंने इसको मैन्युअली माउस से एडजस्ट किया. यू गाइस जब सेलेक्ट करोगे देख सकते हो ट्रांसफॉर्म फिर से गायब हो गया यहाँ पे. सो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, टोटली रॉन्ग हियर राइट नाउ. सो डजंट मैटर, आप माउस से करो, कीबोर्ड से करो, इट्स अप टू यू, दैट्स फाइन. सो वंस यू आर डन विद दिस, नाउ अब अपने को क्या करना था कि वी हैव टू क्रिएट द ब्रेकडाउन्स. तो पहला ब्रेकडाउन क्या था, रोटो था. रोटो तो आपको पता चल गया कैसे करते हैं. यू नीड टू जस्ट अप्लाई प्री मल्ट नोड. ये बन गया आपका रोटो, इज रेडी ना. ये छोटे छोटे चीज एडजस्ट कर लेना. गाइस आई नीड अ आंसर. यस सर. ओके यस सर. ओके सो द रोटो इज कंप्लीटेड. नाउ मेरे को क्या चाहिए इसके बाद, अल्फा चाहिए. यस सर. सो अल्फा कैसे आ सकता है, कोई आइडिया दे सकता है? हाउ कैन आई गेट अ ब्लैक एंड व्हाइट अल्फा? ऊपर आ जीबी पे जाकर. हाँ लेकिन उसको रेंडर कैसे निकालेंगे? अगर मैं यहाँ जाके आरजीबी में कर दूंगा तो आई कैन ओनली बी एबल टू सी, मैं इसका रेंडर नहीं निकाल सकता. बट मेरे को रेंडर निकालना है तो ऐसे रेंडर भी निकल जाता है, बट से कि रेंडर मेरे को यहीं से निकालना है. सो कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी, टेक अ कॉन्स्टेंट, इसका कलर क्या करो, व्हाइट कर दो. ओके एंड इस रोटो नोड को कॉपी करो और इसके नीचे पेस्ट कर दो. सेम थिंग प्री मल्ट भी इसके नीचे कॉपी पेस्ट कर दो. मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ. मिल गया मेरे को अल्फा? सर रोटो में सर हम ये भी तो कर सकते हैं सर, अभी मैंने करके देखा था. आउटपुट में आरजीबी कर दो और प्री मल्टीप्लाई में सर आरजीबी कर दो. मेरे को अल्फा रेंडर निकालना है.
अगर मैं यहाँ पे करूंगा है ना, मेरे को अपना डेमो रील रेडी करना है, मैंने रोटो बना लिया, रोटो नोड में प्री मल्ट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपका कट कर रहा है, मेरे को क्या करना है, आई हैव टू क्रिएट ये ब्लैक एंड व्हाइट रेंडर निकालना है. सो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू इज, फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई विल अप्लाई अ कांस्टेंट, सेम जो रोटो नोड मैंने यहाँ अप्लाई किया है उसी रोटो नोड को मैं यहाँ पे लाके अप्लाई कर दूंगा विद प्री मल्ट नोड, आई विल गेट माई अल्फा चैनल. मिल गया मेरे को अल्फा गाइस? यस सर. ओके सर, नाउ आप देख सकते हो जैसे ही ये दोबारा से, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि कुछ ग्लिच आ रहा है, मैं इसको दोबारा से रिकनेक्ट कर दे रहा हूं तो मेरा यह ट्रांसफॉर्म आ गया. मेरे देख सकते हो सारे की फ्रेम्स भी अब दिखने लगे हैं, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर. ओके ठीक है, सो लास्ट क्या था मेरे पास, टिंट दिखाना था, आई प्रेस ऑल्ट सी. Now, tint दिखाने के लिए सबसे पहले I'll press one. Yesterday we talk about grade. Let's say grade ही लगा लेते हैं. Now grade में ऊपर में आपके पास option है red, green, blue. Okay. Now ये area क्या ना, मैं इसको red tint कर सकता हूँ या blue tint कर सकते हैं, up to you. Sorry, red tint कर सकता हूँ या yellow tint कर सकता हूँ, not blue tint. Blue नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे blue color है. So I'll disable the red and green. एंड मैं क्या करूंगा, यहाँ देख सकते ग्रेड नोड अप्लाई किया है, ऊपर देख सकते ग्रीन एंड ब्लू चैनल को बस मैंने ऑफ कर दिया है, एंड आई विल स्टार्ट लिफ्टिंग. तो आप देख सकते हो रेड कलर ऐड हो गया. यस सर. अगर आप ऑपोजिट जाओगे तो आपको ग्रीन मिलेगा, एंड से अगर आपको येलो ऐड करना है तो रेड एंड ग्रीन को ऑन कर दो, एंड अगर लिफ्ट को इंक्रीज करोगे तो यू विल गेट येलो. सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं. आई विल गो विद द रेड राइट नाउ. सो आई विल डिसेबल द ग्रीन. Increase the lift. Okay. Once I have done with this, now अब यहाँ पे थोड़ा सा complicated हो जाता, but it's not complicated. अगर मैं pre-mult node, if I apply pre-mult node under the grade node, तो ये पूरी तरह से गायब कर देगा. Actually गायब नहीं होगा ये. आपका क्या होगा यहाँ पे? Okay. अगर ये गायब कर, एक्चुअली गायब नहीं होना चाहिए. आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो दिखना चाहिए था एरिया, अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन. सो आपको क्या दिखता है, बस ये रेड, ये कटआउट दिखता है विद अ रेड टिंट ऑन इट. मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को बस रेड कलर यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर दिखे, बाकी एरिया मेरा जैसा वैसा दिखे. सो अगर आप नोटिस करोगे ना, ग्रेड नोट की बगल में आपके पास ये मास्क दिख रहा है, आपके हर एक कलर का एक नोट जब भी यूज करोगे ना, आपके बगल में एक ये छोटा सा मास्क दिखेगा. Can you guys see it? Yes, sir. Okay. Yes, so, sir. All you need to do is just connect this to the roto node. Actually, pre-mult मैंने apply कर दिया था. I should have applied roto node. Sorry, मैं यहाँ पे खुद ही गलत चीज कर रहा था. So अगर मैं यहाँ पे apply करूँ roto node को and I apply a pre-mult node, मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ. So आपके पास ये रिजल्ट आएगा, बट मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए था कि बैकग्राउंड मेरा रेड टिंट ना हो, मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे रेड टिंट मिले और बैकग्राउंड दिखे. इस केस में क्या हो रहा है, इफ आई अप्लाई रोटो नोट देन प्री मल्ट नोट, ये क्या कर रहा है कि बस उस सब्जेक्ट को दिखा रहा, बाकी का एरिया उस डिलीट कर रहा है, जो कि सही भी है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज आई डिलीट द प्री मल्ट नोट. आई प्रेस कंट्रोल और कंट्रोल शिफ्ट एक्स, एंड देन क्या करूंगा, इस मास्क को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा. याद रखना यहाँ रोटो नोड के अंदर भी ये मास्क है, इसको मत कनेक्ट करना, कलर वाले मास्क को कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे. नाउ एज यू कैन सी द टिंट विल बी मूविंग विद द शॉट. मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूंगा ये तीनों चीज, बट दिस इज द स्टेप. अगर आपको ब्रेक डाउन बनाना है तो आपको इसी तरह से काम करना होगा. सो लेट्स ट्राई अगेन फ्रॉम द स्टार्ट. So, मेरे पास क्या था, सबसे पहले मेरे को रोटो क्रिएट करना है, मैंने रोटो से क्रिएट कर लिया. आई अप्लाई अ प्रीमल्ट नोड, ये मेरा रोटो हो गया. टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट लेयर टाइप कर सकते हो. यू कैन ऐड अ टेक्स्ट फ्रॉम हियर, यू कैन टाइप इट एंड राइट इट डाउन व्हाट एवर यू लाइक टू डू, बट फिलहाल मैं टेक्स्ट नहीं ऐड करूंगा. लेट्स गो टू द सेकेंड विच वॉज माई कॉन्स्टेंट. आई ब्रिंग द कॉन्स्टेंट नोड, व्हाइट करूंगा जो प्रीवियस रोटो
नोट था, दोनों को कॉपी करूंगा ऑल्ट सी प्रेस करके कॉन्स्टेंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा एंड आई विल गेट माय अल्फा. द थर्ड वर्ड वाज टेंट. उसके लिए मैंने क्या किया, आई टुक अ ग्रिड, रेड एंड ग्रीन को ऑफ कर दिया, लेफ्ट को जस्ट इंक्रीज कर दिया, आई गॉट अ टेंट. देन आई हैव टू कॉपी द रोटो नोड, नॉट द प्रीमल्ट नोड, गलती से मैंने लास्ट टाइम वो कॉपी कर दिया था. आई विल ड्रैग दिस, कनेक्ट दिस टू, connect my grid mask to the rotor mask and it will automatically subtract the unwanted area. Koi problem? No sir. Okay, so I'll stop the recording.